रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तुर्की और मिस्र से ठुकराई गई भारत के गेहूं की 56,000 टन खेप फिलहाल इसराइल के बंदरगाह पर फंसी हुई है। तुर्की और मिस्र से होते हुए गेहूं अब इसराइल के बंदरगाह पर पहुंच गया है। गेहूं की ये खेप कहां भेजी जानी है उसके लिए सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि गेहूं की खेप के ठुकराए जाने और पैगंबर मोहम्मद पर हालिया विवाद के बीच कोई संबंध है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि भारत से रवाना होने से पहले गेहूं की इस खेप को सभी जरूरी क्वारंटीन प्रक्रियाओं से गुजारा गया था। वहीं आईटीसी लिमिटेड ने इस खेप को तुर्की भेजा था। अधिकारियों ने कहा तुर्की ने इसलिए गेहूं की खेप ठुकरा दी थी क्योंकि गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 13 से 14% से कम थी जो तुर्की के लिए मुख्य खाद्य सुरक्षा मानक है। वहीं मिस्र ने सैंपल की जांच किए बिना ही गेहूं की खेप लेने से इनकार कर दिया था। वहीं अधिकारियों ने कहा कि आमतौर पर सरकार इस तरह की स्थितियों में शामिल नहीं होती है लेकिन गेहूं को लेकर वित्तीय लेन देन हो गया था। वहीं आईटीसी को भी भुगतान किया जा चुका था। चूंकि ये भारत का गेहूं था तो हम इसे ट्रैक कर रहे थे। वहीं गेहूं की खेप नीदरलैंड को बेची गई थी लेकिन खेप को तुर्की और फिर मिस्र डाइवर्ट कर दिया गया। गेहूं में रूबेला वायरस होने की रिपोर्ट के बीच दोनों देशों ने गेहूं की खेप ठुकरा दी थी। एक अधिकारी ने कहा भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था लेकिन इससे पहले ही ये खेप भारत से रवाना हो गई थी। गेहूं की इस खेप की कीमत लाखों में हो सकती है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। वहीं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत $450 से $480 प्रति टन के आसपास है। एक अधिकारी ने कहा भारत का गेहूं ठुकराए जाने के कारण उसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं होना है ना कि रूबेला वायरस है। वहीं उन्होंने कहा कि हालांकि इसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारत के कुछ देशों के साथ संबंध ठीक नहीं है लेकिन इसके बावजूद भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खुद के बूते पर खड़ा है। वहीं उन्होंने कहा सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी हम उनसे तेल खरीदते हैं। राजनीतिक मामलों का व्यापार से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वहीं एक एक्सपर्ट का कहना है कि जब कोई खेप ठुकराई जाती है तो आमतौर पर 3 विकल्प होते हैं। पहला, निर्यातक उसे नष्ट कर सकता है। दूसरा, उस खेप को कहीं और भेजा जा सकता है। या फिर तीसरा, उसे अपनी मूल जगह भेजा जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि शिपमेंट को नष्ट करना आमतौर पर आखिरी विकल्प होता है लेकिन इससे पहले भी ऐसा हुआ है। एक्सपर्ट ने कहा कि गेहूं खराब होने वाली कॉमोडिटी नहीं है, इसे भारत में महीनों स्टोर करके रखा जाता है। बता दें कि भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। देश में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया था। हालांकि बाद में इस प्रतिबंध में कुछ छूट भी दी गई थी।